अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, क्या हाल चाल है भाईजान? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो काफ़ी दिन से वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, तो थोड़ा काम में मसरूफ थे, इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा आज वीडियो बना लें। माल अपना हो गया 28 दिन का, आज 29वां दिन चल रहा है, 28 दिन मुकम्मल हो गए। जो बात मैंने आपको बताई थी कि जो वज़न की कंडीशन आ रही थी, मैं हर कंडीशन आपको बता रहा जा रहा था, जैसे जैसे वज़न हो रहा था और जो जो चीज़ है, तो हमारे जो फ़िलहाल तुम्हारे सामने है। तो हमारा वज़न आया है 1684 ग्राम, 28 दिन पे 1684 ग्राम वज़न आया आपके सामने है मुर्गी। एक जो बंदा होता है ना, झूठ बोलता है कि यार हमारा इतना वज़न आ गया हमारा, हमने जो जो वज़न आया आपके सामने रखा था। और जब मैंने आपको बोला था कि 1000 से ऊपर वज़न आया था 21 दिन पे, तो मैंने आपको बोला था कि ये 1.5 किलो को क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। आज 29वां दिन चल रहा है, अभी लाइनें चल रही है फीट की, हमारे फीट खा रही है मुर्गी। देखो ये देखो, एक साइड की चल रही है, तो ये इसकी भी आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने जो भी, तो ज़बरदस्त है और शुक्र है कि माशाल्लाह रेट भी बहुत अच्छा है। ये हमारे पंखे चल रहे हैं, 9 पंखे चल रहे हैं। भाई जा रहे हैं तो और भी वीडियो बना रहा है ऐसे हो तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन जब भी होती है तो अच्छी मेहनत की जाती है। मैंने आपको शुरू से बोला था वेंटिलेशन हो जाती होगी या पानी की लेने को हो गया, दाने का हो गया, ये चीज़ें होती है। ये कोई वो नहीं है कि हमारा 31 दिन का 32 दिन का माल 28 दिन मुकम्मल हुए, 29वां दिन आज चल रहा है। ये पंखे भी मुकम्मल चल रहे हैं, मेहनत करने से इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं। मैनेजमेंट होती है इसकी अच्छी, मैनेजमेंट अच्छी करनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छी देनी चाहिए, तो इंशाल्लाह बरकत होती है उसमें। तो पोल्ट्री का यही होता है, पोल्ट्री का यही होता है, मैनेजमेंट अच्छी रखें, वेंटिलेशन, छोटी छोटी बातें होती, छोटी छोटी चीज़ें होती, उसको समझ आता बंदा, उसको समझ के लेके चले आगे, तो खुलाक अच्छे निकल जाते हैं और निकालने भी अच्छे चाहिए। ऐसा तो जानदार चीज़ है, ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन बंदा कोशिश करे तो सब कुछ हो जाता है। कोशिश करे, ऊपर वाले की दुआएँ होती है, तो बंदा अपनी मेहनत को कायम रखे। ये देखो अपने पंखे चल रहे हैं पूरे 9, 10वां पंखा भी चला लेते लेकिन अभी मौसम ऐसे ही चला लेते। मसला ये उसका फैन बोल टूट गया, उसका फैन बोल नहीं है, इस वजह से वो बंद पड़ा हुआ है। रिलैक्स होके माल बैठा हुआ, दाना खा के, अभी ये सर चलाया दाना, ये खा के रिलैक्स होके बैठा हुआ है माल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और भी आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, पोल्ट्री के बारे में हर इन्फॉर्मेशन दूँगा आपको, मुर्गी पालने, कोई पालने की
टेक्निक की जो आपको आपके सामने ये फ्लाक आपके सामने है, ये फ्लाक आपके सामने निकाला जा रहा है। हर चीज़ की आपको मैं बता रहा, डिटेल बता रहा, जब चूज़ा रिसीव किया, इंजेक्ट किया, वो भी सारा कुछ आपके सामने लगा। और काफ़ी दोस्त मुझे बोल रहे थे कि अपना इंजेक्ट किस चीज़ के करवा रहे हैं, तो दोस्तों जिसमें इंजेक्ट हमने इस मौसम में भी हालात जो इसमें चल रहे थे कि गर्द गुबार ज़्यादा चल रही थी गंदम की कटाई, तो इस वजह से हमने इंजेक्ट करवाया था IBH9 और एनडी का, इसका हमने इंजेक्ट करवाया था, टीका लगवाया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई चीज़ भाई कोई चीज़ पूछनी हो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछेगा। दुआ में याद रखना, आप भी अपने अच्छे फ्लाक को अच्छी इन्फॉर्मेशन करें दें और अच्छी मेहनत करें तो अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत डालेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ से, दुआ में याद रखना, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।